नाम की चिड़िया अपने सात बच्चों के साथ रहा करती थी। चिड़िया कुछ ना कुछ खाने के लिए अक्सर बाहर जाया करती थी। उसी जंगल में एक बुरा चील भी रहता था, जो हमेशा चिड़िया के बच्चों को खाने की फिराक में रहता था। ये बात टुनटुनी चिड़िया अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को सुरक्षित घर के अंदर ही रखती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा खाना ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ और तुम सभी अपना ध्यान रखना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। जब मैं तुमसे कहूँ कि मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ, तभी तुम दरवाजा खोलना, ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। और टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। ये सब बातें वो चील छुप छुप के सुन रहा था। वाह, अब आएगा मजा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। ऐसा कहकर चील चिड़िया के जाते ही तुरंत उसके घर के बाहर आ जाता है और वो कहता है, मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ, चलो दरवाजा खोलो। अरे भैया चलो दरवाजा खोलो, देखो माँ आई है, हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई है। अरे नहीं, ये हमारी माँ नहीं हो सकती, अभी तो गई है, इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकती है? बाहर कौन है? बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, टुनटुनी चिड़िया, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज बहुत मीठी है, चलो अब जाओ यहाँ से। अरे ये बच्चे तो बहुत तेज हैं, अब मैं मीठी आवाज कहाँ से लाऊं? मगर कुछ ना कुछ तो करना होगा। अरे हाँ, मैं जाकर शहद खाकर आता हूँ। ऐसा कहकर चील जंगल में शहद खाने चला जाता है। बहुत समय तक उड़ते उड़ते उसे एक पेड़ पर शहद का छत्ता दिखता है। उसे खाने के लिए जैसे ही वो पास जाता है और उस छत्ते को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं। अरे ये क्या, ये सारी मधुमक्खियाँ मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। और ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। फिर भी मधुमक्खियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसे काट ही लेती हैं। और जैसे तैसे वो चील मधुमक्खी के छत्ते का टुकड़ा ले आता है और फिर दूर जाकर उसे खाने लगता है। अब चील की आवाज बिल्कुल टुनटुनी चिड़िया जैसी मीठी हो गई थी। फिर वो चील कहता है, मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ, दरवाजा खोलो। अरे भैया अब की बार तो सही में ये माँ की आवाज है, देखो ये आवाज तो बहुत मीठी है, चलो अब दरवाजा खोलते हैं। नहीं रुको, पहले मैं देखता हूँ। चीकू दरवाजा खोलने से पहले उसके पैर देखता है। नहीं तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले आए थे, मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पैर तो कितने काले हैं, हमारे माँ के पैर तो बहुत ही सुंदर हैं, तुम कोई और ही हो, तुम जाओ यहाँ से। अरे ये टुनटुनी के बच्चे बहुत होशियार हैं, अब क्या करूँ? मगर एक बात है, टुनटुनी और मेरे पैरों का रंग एक जैसा है, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये दंदे कैसे हो गए। चलो अब मैं पैर धोकर आता हूँ। फिर वो चील पास की नदी में जाकर पैर धो लेता है और टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर दोबारा आ जाता है। अरे मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ, अरे 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 नहीं, स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। फल?
ये तो माँ ने कहा ही नहीं था। हाँ बड़े भाई, इसका मतलब ये भी कोई और है जो हमारी माँ की आवाज़ निकाल कर हमसे दरवाजा खुलवाना चाहता है। चलो अब दरवाजा खोलो। अले भैया, ये तो माँ ही है, उनकी आवाज़ भी मीठी है और उनके पैर भी सुंदर सुंदर हैं। मैं तो दरवाजा खोल रही हूँ। नहीं छोटी, ये भी हमारी माँ नहीं है। बड़े भाई, ये हमें ऐसे ही तंग करते रहेंगे, जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक हम क्या करें? इनको अब हमें ही सबक सिखाना होगा। हम दोनों बड़े भाई के होते हुए हमारे भाई बहनों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तभी टुनटुनी चिड़िया के दोनों बड़े बेटे उस चील को सबक सिखाने के लिए घर में रखे हुए डंडे उठा के ले आते हैं और छोटी बहन को दरवाजा खोलकर पीछे छिपने को कह देते हैं। तभी छोटी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उस चील को देखकर सारे बच्चे सहम जाते हैं और जैसे ही वो चील घर के अंदर आने लगता है, तभी वो दोनों भाई उसे जोर से डंडे मारना शुरू कर देते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। तभी चीकू कहता है, सुन ले ओ चील, अब यहाँ पर आने की हिम्मत की तो हम मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। और वो चील अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग निकलता है। तभी टुनटुनी चिड़िया थोड़ी देर बाद वहाँ घर पहुँचती है और छोटी अपनी माँ को सब बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया ये सब बातें सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे इतने समझदार और बहादुर भी हैं। फिर सब बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं और दूसरी तरफ वो चील जख्मी हालत में पड़े पड़े अपने आप को कोसने लगता है। आखिरकार मैं वहाँ गया ही क्यों? और अब क्या था, उस जख्मी चील के हालात को देखने के बाद चील क्या अब तो कोई और पक्षी भी टुनटुनी चिड़िया के घर पर बुरी नजर नहीं डालता और अब टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं।